स्टूडेंट्स, मैं सुरेखा सिंह। बच्चों, आज हम आपके पाठ्य पुस्तक से फर्स्ट यूनिट से सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है गुल्ली डंडा। यह एक कहानी है और इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। बच्चों, हिंदी साहित्य में जरा सी भी रुचि रखने वाला और हिंदी साहित्य से जरा सा भी परिचय रखने वाला व्यक्ति मुंशी प्रेमचंद के नाम से अपरिचित हो, यह असंभव है। उपन्यास सम्राट और कहानियों के राजा मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य में मील के पत्थर के समान हैं। मुंशी प्रेमचंद के विषय में कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। हम उनके जीवन के विषय में संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदी साहित्य के आकाश में जगमगाते हुए सूर्य मुंशी प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। इनका जन्म 31 जुलाई 1987 को हुआ था। इनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। इन्हें प्यार से नवाब भी कहते थे। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी प्रारंभिक रचनाएं नवाब राय के नाम से ही करनी प्रारंभ की थी। 1908 में उनका प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन के नाम से प्रकाशित हुआ, जिसमें उनकी जो रचनाएं थी वह देशभक्ति से ओतप्रोत थी, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार ने नवाब राय के लेखन कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद मुंशी प्रेमचंद के नाम से उन्होंने अपनी रचनाएं लिखनी प्रारंभ की और आजीवन वे मुंशी प्रेमचंद के नाम से ही अपनी रचनाएं लिखते रहे। मुंशी प्रेमचंद की अनगिनत रचनाएं हैं, जिनमें जो उपन्यास हैं वो प्रमुख उपन्यास इस प्रकार से हैं: सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, गबन, गोदान इत्यादि। कहानी संग्रह में नमक का दरोगा, प्रेम पचीसी, सोजे वतन, पांच फूल इत्यादि उनकी प्रमुख कहानी संग्रह हैं। बच्चों, मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं का प्रमुख विषय सामाजिक और कृषक जीवन ही रहा है। उनकी रचनाएं आम जन जीवन और आम लोगों के इतने करीब होती थीं कि आम जन जो है उन कहानियों से एक सहज ही लगाव महसूस करता था। उनकी कहानियों के जो पात्र हैं वो आम लोगों के बीच से ही रहते थे। उनकी रचनाओं में दहेज, अनमेल विवाह, पराधीनता, लगान, जाति भेद, छुआछूत और स्त्री पुरुष के मध्य के भेद जो है वो प्रमुख विषय रहे। मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ सहज ही मन को छू जाती थीं और सामान्य जनजीवन के मन में उतर जाती थीं। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर सन 1936 को हुई थी। बच्चों, मुंशी प्रेमचंद भले ही आज हमारे बीच ना हो, पर वे उनकी रचनाएं आज भी हमारे बीच हैं और हमेशा साहित्य प्रेमियों को और भारतीय जनजीवन में वे सदैव अमर रहेंगी, सदैव जीवित रहेंगी। तो ये तो थी मुंशी प्रेमचंद जी के विषय में संक्षिप्त जानकारी। बच्चों, ये पाठ गुल्ली डंडा जो कि एक कहानी है, वह हमें ये कहानी में जो मुंशी प्रेमचंद हैं वह यह बता रहे हैं कि बचपन में यदि सबसे आनंददायी कोई चीज़ होती है तो वह खेल ही होता है। खेलने में ना बच्चों को समय का पता चलता है, न दिन का, न रात का, न उन्हें भूख लगती है, न उन्हें प्यास लगती है। बच्चों का खेल जो है वो माता पिता के लिए परेशानी का भी सबब बन जाता है, पर बच्चों के लिए तो अगर आनंद का सबसे बड़ा कोई स्रोत है तो वह खेल ही होता है। खेल, अनेक प्रकार के खेल बच्चे बचपन में खेलते हैं। यहाँ पर जिस खेल के विषय में लेखक जो बता रहे हैं वह खेल है गुल्ली डंडा, जो हमारे भारतीय ग्रामीण समाज का सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय खेल है। बच्चों के मध्य गुल्ली डंडा ग्रामीण समाज में बेहद लोकप्रिय खेल है। इस कहानी में लेखक जो है वो बता रहे हैं कि बच्चों को बचपन में खेलते समय या पढ़ते समय बचपन में उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, ना तो उनके मध्य अमीरी गरीबी का भेदभाव होता है, ना छुआछूत का, ना ऊंच नीच का, ना जात पात का, किसी भी प्रकार का भेदभाव उनके मध्य नहीं होता। उनके मध्य तो केवल एक ही नाता होता है और वह होता है खेल का और मित्रता का। गुल्ली डंडा कहानी में लेखक जो हैं वो यह बताते हैं कि अंग्रेजी खेल मतलब फुटबॉल, क्रिकेट वगैरह ऐसे खेल जो बाहर से हमारे देश में आए हैं, उनको वे कहते हैं कि ये सब तो
अंग्रेज रईसों के, अमीरों के खेल हैं। इन खेलों में बिना पैसे खर्च किए तो खेल खेला ही नहीं जा सकता। क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या लॉन टेनिस हो, इन्हें खेलने के लिए मैदान चाहिए, सामग्री चाहिए और इनमें बिना 100 रुपये खर्च किए, उस लेखक के समय में जो 100 रुपये था वो बहुत बड़ी रकम थी, अच्छी खासी रकम मानी जाती थी। तो लेखक जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बिना 100 रुपये खर्च किए तो आप इन खेलों को खेल ही नहीं सकते, जिनके लिए खिलाड़ियों की संख्या होना भी बहुत आवश्यक है। जबकि उसी की जगह पर गुल्ली डंडा के विषय में कहते हैं कि अब शुद्ध देसी खेल है जिसमें एक भी पैसा, एक भी ढेला खर्च नहीं होता और खेल भी बड़े मज़े से हो जाता है। अगर आपके पास खिलाड़ियों की संख्या बहुत हो या न भी हो, दो खिलाड़ी भी इसे आराम से खेल सकते हैं। न किसी खास प्रकार के मैदान की आवश्यकता है, न विशेष प्रकार के सामग्री की आवश्यकता है। लोग तर्क देते हैं कि गुल्ली डंडा क्यों नहीं खेलना चाहिए। तो लोग तर्क यह देते हैं कि गुल्ली खेलने से अगर गुल्ली आंखों में लग जाएगी तो आंख फूटने का भय होता है। पर यहाँ पर लेखक अपने गुल्ली डंडा खेलने के पक्ष में तर्क देते हुए कहते हैं कि उनके अनेक दोस्तों ने तो फुटबॉल खेलते समय अपने पैर तोड़वा लिए हैं, अनेक दोस्तों ने तो क्रिकेट खेलते समय भी जो पैर तोड़वा कर आज बैसाखियों पर चल रहे हैं। तो गुल्ली डंडा में अगर थोड़ा रिस्क है तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। ये लेखक का तर्क है अपने गुल्ली डंडा खेलने के पीछे। वे कहते हैं कि अपनी अपनी रुचि होती है, लेकिन मुझे तो बचपन से ही गुल्ली डंडा सबसे अधिक प्रिय था और मेरी बचपन की स्मृतियों में सबसे मधुर स्मृति जो है वो गुल्ली डंडे से ही जुड़ी हुई है। वह प्रातःकाल घर से निकल जाना, पेड़ की टहनी पर चढ़ना, उसकी टहनियाँ काटना, गुल्ली डंडे बनाना, वह खिलाड़ियों का जमघट, वह पदाना और वह लड़ाई झगड़े, सरल स्वभाव, न छूत न अछूत, न गरीब न अमीर, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं, बस खेल है। उस वक्त केवल खेल ही मन में रहता था और घर वालों के लिए यह खेल जो था वह परेशानी का सबब था। पिताजी को लगता था कि मेरा भविष्य जो है वह अंधकार में डूब रहा है और माता जी उनके क्रोध को शांत करने के लिए अपनी समस्त ताकत झोंक दिया करती थी। वे अपनी तरफ से सारा प्रयत्न करती थी, सारी कोशिशें करती थी कि पिताजी का गुस्सा, क्रोध जो है शांत हो जाए, पर पिताजी को तो मेरे भविष्य के विषय में चिंता था, ऐसा लेखक कह रहे हैं। लेखक कहते हैं कि जब उस समय जब बचपन में जब हमारे मध्य गुल्ली डंडा जो है सबसे प्रमुख खेल हुआ करता था, उनमें उस समय हम दोस्तों की एक टोली हुआ करती थी जो गुल्ली डंडा खेलती थी। उन टोलियों में एक गया नाम का लड़का था, जो लेखक बता रहे हैं कि वह जो गया है वह दो तीन साल बड़ा रहा होगा लेखक से। उसकी जो गया में जो बंदरों के समान फुर्ती थी, वह बंदरों के समान चपलता थी, वह कैसी भी गिल्ली हो, कहीं इधर भी उछल रही हो, गया उसे लपक कर पकड़ लेता। बच्चे जब गया जब आता उनके खेल में, जब वो लोग गिल्ली डंडा खेलने जाते और गया आता हुआ दिखाई देता तो लड़कों के बीच एक होड़ लग जाती कि सब गया को कौन अपनी टीम में रखेगा, क्योंकि गया जिसकी टीम में हो जाए उस टीम की जीत निश्चित थी। तो गया तो कौन था, उसके माता पिता कहाँ पे थे, अमीर था, गरीब था, छूत था, इसका किसी को ज्ञान नहीं होता। उनके मध्य तो केवल यह रहता कि वह जो है गुल्ली डंडा क्लब का चैंपियन था और हर लड़का यह चाहता था कि वह उनकी टीम में आ जाए। एक बार की घटना को बताते हुए लेखक कह रहे हैं कि गुल्ली डंडे के खेल से जुड़ी हुई तो बहुत सारी यादें लेखक के जहन में रहती हैं, लेकिन एक दिन जो है वह बताते हैं कि केवल गया और वे दोनों ही खेल रहे थे। गया जो है शाम होने को थी, गया पदा रहा था और लेखक जो है वो पद रहे थे। लेखक बहुत जब अपने मतलब दाम देते हुए या पदते हुए बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो वो लेखक से रिक्वेस्ट करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं कि वो उससे उन्हें घर जाने दे। पर गया जो है वो टस से मस नहीं होता, वो बिल्कुल भी लेखक को घर जाने देने के लिए तैयार नहीं रहता। लेखक जो है अपने पक्ष में अनेक तर्क देते हैं कि क्या तुम दिन भर पदाओगे तो क्या मैं दिन भर पदूंगा, क्या मैं घर खाने पीने नहीं जाऊंगा, क्या मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, तुम जैसे कहोगे वैसे ही करूंगा। इतने अनेक प्रकार के तर्क देने पर भी
गया जो है वो लेखक को घर नहीं जाने देता। जब लेखक को गया घर नहीं जाने देता और वह कंटिन्यू लगातार उन्हें पदाते रहता है, तो लेखक उन्हें कहते हैं कि मैंने जो तुम्हें कल अमरूद खिलाया था वो मुझे दो। अभी क्या बात हुई, तो उसकी यह था लेखक जो थे वो एक उस खेल से एक दिन पहले गया को अमरूद खिलाए थे और वो चाहते थे कि उस अमरूद के बदले लेखक गया जो है उन्हें छोड़ दे, उन्हें उनको पदाए मत, उन्हें घर जाने दे। लेकिन गया जो है बिल्कुल तैयार नहीं हो रहा था, वह लगातार उन्हें पदाए जा रहा था। तब अंत में लेखक जो है हार कर कहते हैं कि मैंने जो तुम्हें कल अमरूद खिलाया था मेरा अमरूद लौटा दो। गया कहता है वो तो मैंने खा लिए, वो तो मेरे पेट में चले गए। बोलते हैं कि तो पेट से निकालो पर मुझे मेरे अमरूद लौटाओ। इस बात पर लेखक का तर्क था कि यह तो न्याय संगत है, ये तो ऐसा कहना तो बिल्कुल न्याय संगत है, इसमें किसी भी प्रकार का गलत नहीं, बिना मतलब के तो कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। तो मैंने यदि अमरूद खिलाए हैं, गया को यदि अमरूद खिलाए हैं, तो अब यह गया का फर्ज है कि वह मेरे लिए कुछ करे। और उसके बदले में लेखक क्या चाहते थे कि गया उन्हें दाम देने को न कहे। इसके बाद लेखक किसी बात का जब गया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई असर नहीं होता, तो लेखक जो है वो गया को एक गाली दे देते हैं। अब लेखक जब गाली देते हैं तो गया जो है उनको एक चांटा जड़ देता है। एक चांटा जड़ने पर लेखक रोने लगते हैं। अब उनके रोने के आगे गया जो है डर जाता है और छोड़ देता है और लेखक जो है घर की ओर भाग जाते हैं। जब वो घर की ओर भागते हैं तो अपने घर के पास पहुंचकर अपने आंसू पोंछ लेते हैं और सारा दर्द भूल जाते हैं। इस तरह जो बचपन है, लेखक का बचपन जो है बीत रहा था। इसी बीच लेखक के जो पिता हैं वो एक सरकारी विभाग में अफसर थे, उनका तबादला हो जाता है और वे इनका तबादला गांव से शहर में हो जाता है। गांव से शहर में तबादला होने पर पिताजी बड़े दुखी हो जाते हैं। लेखक के पिताजी जो थे वो बहुत दुखी हो जाते हैं क्योंकि यह जगह जो थी वो अच्छी आमदनी वाली थी, और माताजी दुखी हो जाती हैं क्योंकि इस जगह पे वस्तुएं सस्ती मिलती थी। लेकिन लेखक बड़ा खुश था क्योंकि उन्हें लेखक को नई दुनिया देखनी थी, नए नए मित्र मिल रहे थे। वो अपने दोस्तों के बीच जाकर अपने बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर रौब झाड़ते हुए कहता है, लेखक अपने दोस्तों से कहता है कि मैं तो जा रहा हूँ जहाँ वहाँ पर बहुत सारे बहुत ऊंचे ऊंचे आसमान से बातें करते हुए घर हैं, अंग्रेजी स्कूल है, जहाँ पर मास्टर लड़कों को पीटते भी नहीं, यदि मास्टर जो है लड़कों को थोड़ा सा भी पीट दें तो बहुत जहल हो जाता है, बहुत बवाल हो जाता है। फिर मित्रों की जो उनकी बातें सुन सुनकर जो मित्र हैं वे बड़ी चकित भाव से लेखक की ओर देखते रहते हैं, मानो कह रहे हैं अच्छा भैया तुम तो शहर जा रहे हो, तुम तो हम कहाँ, हम तो इसी गांव में रहेंगे। इस वाक्या को, इस घटना को 20 साल गुजर जाते हैं। 20 साल गुजरने पर लेखक जो है अब इंजीनियर बन चुके हैं और वह उसी गांव में, उसी ज़िले में उनकी ड्यूटी होती है, पोस्टिंग होती है। और एक दिन दौरा करते हुए उस गांव का निरीक्षण करने वो उसी गांव में पहुंचते हैं जहां पर उनका बचपन बीता था, जहां पर उन्होंने गिल्ली डंडा खेला था। लेखक उस गांव में आते हैं और वहां के एक डाक बंगले यानी गेस्ट हाउस में ठहरते हैं। और जब उन्हें जैसे ही उस गांव में आते हैं, उनकी बचपन की मधुर यादें, मधुर स्मृतियां जो है उनके जहन में आ जाती हैं और अपने गांव को देखने के लिए शाम को निकल पड़ते हैं, घूमने निकल पड़ते हैं। वे बचपन के वो उन जगहों को जहाँ पर वे खेला करते थे, उन जगहों को ढूंढने लगते हैं, पर वह कस्बा तो पूरी तरह से बदल चुका रहता है। जहाँ पर पहले कच्चे मकान थे, खंडहर थे, अब वहाँ पर पक्के मकान हो गए थे। जहाँ बरगद था वहाँ पर बड़ा सुंदर बगीचा था, पूरा जगह ही बदल गया। अब लेखक को पहले से ना स्थिति का ज्ञान होता था और ना ही उस जगह का पता चलता था कि आखिर वो जगह है कहाँ पर। बस लेखक अपने गांव की सैर करते रहते हैं और उनके मन में जो है बचपन की स्मृतियाँ जो है वो आती रहती हैं। उनका मन होता है कि अपने पुराने मित्रों से मिलूं, कि आखिर कैसे हैं बचपन के मेरे मित्र, कहाँ पर हैं, उनसे गले लिपट कर रोऊं और कहूं कि तुम तो मुझे भूल ही गए। सहसा अचानक लेखक को एक जगह पर दो तीन लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते हुए देखते हैं और उनके मन में जो है बचपन की स्मृतियां आ जाती हैं। उनके मन में गया का ना, उनके जहन में सहज विभाव से गया की स्मृति आ जाती है। वह उनमें से एक लड़के को बुला कर कहते हैं
कि यहाँ कोई गया नाम का आदमी रहता है? लड़का कहता है हाँ। तो लेखक कहते हैं कि क्या तुम उसे बुला दोगे? लड़का दौड़ता हुआ चला जाता है और थोड़ी देर में लौट कर आता है तो उसके साथ एक काले रंग का ऊंचा लंबा ऊंचा जो आदमी है वह उसके साथ आते हुए दिखाई देता है। लेखक दूर से ही पहचान जाते हैं कि वह गया है। लेखक चाहते थे कि दौड़ कर जाऊं और गया से लिपट जाऊं, लेकिन जो उनके उनके जो पद और उनके जो पोस्ट की गरिमा है वह ऐसा करने से उन्हें रोक देती है। गया जब आते हैं लेखक बहुत ही प्रसन्न होते हैं और पूछते हैं कि कैसे हो? गया कहता है मज़े में हूँ, अपनी कहिए। लेखक कहते हैं सर, लेखक अपने बचपन के मित्रों के बारे में पूछते हैं तो लेखक गया जो है वो बताता है कि एक तो उनका जो दोस्त है, उनका जो मित्र था वो मर चुका है और बाकी जो दोस्त हैं वो डाकिया पोस्टमैन हो गए हैं। और तो लेखक बताते हैं कि मैं तो इंजीनियर हो गया हूँ। तो गया कहता है कि आप तो शुरू से ही बहुत समझदार थे। इसके बाद लेखक जो है गया से अपने बचपन की स्मृतियों को ताज़ा करते हुए कहते हैं कि चलो गया, गुल्ली डंडा का खेल हो जाए। गया तो पहले झेप जाता है, वह खेलना नहीं चाहता, बहुत सकुचाता है, लेकिन लेखक जो है वो अपनी बचपन की उस याद को फिर से जीना चाहते हैं, फिर से उसे वापस जीवित करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा गया से बहुत कहने के बाद गया जो है वो खेलने के लिए तैयार हो जाता है। लेखक और गया के बीच का जो खेल है वह बस्ती से दूर एक तालाब के किनारे शुरू होता है। लेखक जो है जो उन्हें गया के बचपन के खेल याद आते हैं कि गया गुल्ली डंडा में कितना निपुण था, कितना कुशल था। लेखक समझ जाते हैं कि आज तो गया बहुत मुझे बताएगा। लेकिन जब गया लेखक के साथ खेलना शुरू करता है तो लेखक हैरान रह जाते हैं। गया के खेल में पहले के समान कुशलता नहीं दिखाई देती, लेखक में वह चंचलता, वह निपुणता नहीं दिखाई देती जो बचपन में हुआ करती थी। लेखक जो है गया की तरफ गुल्ली उछालते हैं और गया जो है गुल्ली को लपक नहीं पाता, बल्कि गुल्ली उसके कभी दाएं से कभी बाएं से निकल जाती है, पर गया जो है गुल्ली को पकड़ नहीं पाता। लेखक को बड़ा आश्चर्य होता है। कई बार जब गुल्ली पकड़ लेता है गया तो लेखक जो है वो उसे झूठ बोल देते हैं, बेईमानी कर जाते हैं कि कहीं ईंट से टकरा गई होगी तो कहीं पत्थर से टकरा गई होगी। और गया जो है जो थोड़ी बचपन में थोड़ी सी बेईमानी करने पर भड़क जाया करता था, आसानी से लेखक की बात मान जाता है, उनकी हाँ में हाँ मिला देता है। लेखक को बड़ा आश्चर्य होता है। गया जब भी डंडे की तरफ गिल्ली मारता एक भी गिल्ली का निशाना जो है वो डंडे से नहीं लगता। वो लेखक को यह देखकर बहुत ही आश्चर्य होता है कि वह गया जिसके डंडे से कभी गिल्ली चुकती नहीं थी, आज कैसे उसकी गिल्ली जो है डंडे से लग नहीं रही है। इस तरह खेलते खेलते बहुत देर हो जाती है, शाम होने को आती है। लेखक कहते हैं कि गया तुम तो खेलना बिल्कुल भूल गए। गया कहता है कि हाँ हुजूर, अब अभ्यास छूट गया है, अब खेलने का समय ही नहीं मिलता। लेखक बड़ा प्रसन्न होते हैं कि बचपन का बदला आज ले लिया। उसके बाद लेखक कहते हैं कि चलो गया, कोई बात नहीं, अब हम कल खेलेंगे, आज शाम हो रहा है, कल जो बचा हुआ जो वो है मैं कल तुमसे इसका तुम्हारा दाम लूँगा। लेखक गया भी उनकी हाँ में हाँ मिलाता हुआ चला जाता है। दूसरे दिन शाम के समय लेखक अपने गांव में टहलने निकले रहते हैं और वहाँ पर कुछ दूर जाने पर उससे देखते हैं कि वहाँ पर लोगों की दस आदमियों की मंडली लगी हुई है, वहाँ पे लोग खड़े हुए हैं। लेखक भी उत्सुकता के कारण वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जाकर देखते हैं वहाँ पर, तो देखते हैं तो वहाँ पर गुल्ली डंडा का खेल चलता रहता है। जो उसमें जो लड़कों में जो आदमियों की मंडली रहती है उसमें कई तो जो है वो गया लेखक के बचपन के मित्र भी होते हैं और गया जो है वो खेल खेलते रहता है। अधिकांश ऐसे युवक थे जिन्हें जो लेखक नहीं पहचानते थे। उस समय गया और एक युवक के मध्य जो है गुल्ली डंडा का खेल चल रहा था। गया उस युवक को पदा रहा था और वह उसके खेल की निपुणता देखकर, उसकी कुशलता देखकर लेखक आश्चर्य के मारे
आश्चर्य से चकित हो जाते हैं और देखते हैं कि जो लेख जो गया कल एक साधारण सी गुल्ली एक साधारण से जब मैं वो गिल्ली को उछालती थी उसे भी वो नहीं पकड़ पा रहा था, आज उसके अंदर बिजली की सी चंचलता दिखाई दे रही थी। वह गिल्ली किसी भी दिशा से जाए गया के हाथों से नहीं बचती थी। और गया जो है उसने उस लड़की उस युवक को ऐसा पदाया कि अगर उस हिसाब से उसने लेखक को पदाया होता तो लेखक तो शायद रोने लगे होते। पढ़ने वालों में से कोई एक युवक जो है कुछ धांधली करने लगा तो गया ने उसको उसकी गर्दन पकड़ ली और गर्दन पकड़ ली ऐसा मौका आ गया कि लगा कि दोनों के मध्य हाथापाई हो जाएगा। गया का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर वह लेखक डर वह युवक जो है वह डर जाता है और डर के मारे वह पीछे हट जाता है। लेखक को अब समझ में आता है कि वह गया कल जो है उनके साथ अपनी कुशल उनके साथ जो गुल्ली डंडा का खेल खेल रहा था वह वास्तव में वह खेल नहीं रहा था बल्कि वह लेखक को तो खिला रहा था। उसकी कुशलता और उसके निपुणता को देखकर लेखक ने समझ गया लेखक को यह समझ में आ गया कि वह जो खेल जो कल गया दिखा रहा था वह वास्तव में लेखक के पद को उसके जो पद है उसको वह सम्मान देते हुए केवल दिखा उनके साथ खेलने का दिखावा कर रहा था। लेखक की समझ में आ गया कि अब वह बचपन सा साहचर्य नहीं पा सकता। भले वे बचपन के मित्र आज मेरा अदब करते हों मुझे सम्मान देते हों लेकिन वे मुझे अब अपने साहचर्य का सुख अपने नहीं दे सकते। वे मुझे अपने समकक्ष नहीं समझते अपने बराबर नहीं समझते इसलिए लेखक के साथ वे बराबर का व्यवहार नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों ये तो कहानी थी आपके पाठ्य पुस्तक से कहानी थी गुल्ली डंडा जो उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी और आपने भी इसे खूब इंजॉय किया होगा। धन्यवाद।